नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि भोजपुर के एसपी रहे राकेश कुमार दुबे के 4 ठिकानों पर ईओयू की रेड पड़ी है। 2 ठिकाने बिहार के बताए जा रहे हैं, वही 2 ठिकाने भोजपुर के बताए जा रहे हैं। राकेश कुमार दुबे भोजपुर के पूर्व एसपी है, जो अवैध बालू खनन मामले में उनको निलंबित कर दिया गया है। अब उनके 4 ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि राकेश कुमार दुबे को आईपीएस से प्रमोशन करके भोजपुर जिले के एसपी बनाया गया था, लेकिन अवैध बालू खनन मामले में बालू माफियाओं के साथ साठगांठ होने के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। आज ईओयू की छापेमारी उनके ठिकानों पर चल रही है। बिहार के 2 ठिकाने, इसके साथ साथ झारखंड के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस राकेश कुमार दुबे के 4 ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि बिहार के 2 और झारखंड के 2 ठिकानों को खंगाला जा रहा है। पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र के गांधी पथ स्थित आवास और पटना के ही अभियंता नगर जलालपुर के सुदामा पैलेस में ईओयू की टीम जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी ओर 2 टीम झारखंड के जसीडीह स्थित निलंबित एसपी के पैतृक गांव सिमरिया और जसीडीह के सचिन रेसिडेंसी होटल में छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार दुबे अपने आवास पर उपस्थित नहीं थे, वो कहीं बाहर निकले हैं। गौरतलब है कि राकेश कुमार दुबे को बिहार पुलिस सेवन से आईपीएस में प्रमोशन होने के बाद पहली बार भोजपुर जिले का एसपी बनाया गया था, लेकिन इसके बाद उनको बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था और उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया था। भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे को बालू के अवैध धंधे से जुड़े होने के आरोप में निलंबित किया गया था। आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के अनुसार केस नंबर 1721 अंडर सेक्शन 13(2)(8)(13)(1)(b) पीसी एक्ट 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भोजपुर के डीटीओ रहे एक अधिकारी के भी कई ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। इसके पहले आरा और पालीगंज के निलंबित एसडीपीओ रोहतास, डेरी के एसडीओ और एक मोटरयान निरीक्षक के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। आपको बता दें कि जुलाई में 41 पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित किया गया था, जिसमें पहले राकेश कुमार दुबे है, जिनके ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी चल रही है। बिहार और झारखंड के 2 ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी चल रही है। जिस समय राकेश कुमार दुबे की आवास पर छापेमारी चल रही थी, उस समय वह उपस्थित नहीं थे। आपको बता दें कि राकेश कुमार दुबे को अवैध बालू खनन मामले में निलंबित किया गया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों पर लगाम लगाने की का मन बना लिया है। एक बार फिर से वो अपने अधिकारियों के आवास पर छापेमारी करा रहे हैं। अभी राकेश कुमार दुबे के आवास पर छापेमारी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।